नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां पर आपको रीट भर्ती, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एवं अन्य भर्तियों की जानकारी मिलेगी। साथ साथ राजस्थान शैक्षिक समाचार की PDF फाइल भी आपको वहां पर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज 7 दिसंबर 2021 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। भास्कर डेली करंट अफेयर्स क्यूज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। धौलपुर प्रदर्शन करते बेरोजगार शिक्षक, रीट शिक्षक भर्ती 2021। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती रीट परीक्षा में पदों की वृद्धि की मांग को लेकर किया प्रदर्शन धौलपुर भास्कर। बेरोजगार शिक्षकों ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती रीट परीक्षा में पदों की वृद्धि कराने को लेकर सोमवार को गांधी पार्क में बेरोजगार शिक्षकों ने तृतीय श्रेणी अध्यापक रीट भर्ती परीक्षा में पदों की वृद्धि को लेकर धरना देकर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। 31,000 पदों पर आयोजित की गई थी, लेकिन रीट परीक्षा 2020 में प्रस्तावित थी, किंतु कोरोना महामारी के कारण ये भर्ती 2 वर्ष से लंबित हो गई है। पदोन्नति के कारण रिक्त हो गए शाला दर्पण के मुताबिक तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लगभग 90,000 पद खाली है और राजस्थान में लगभग 26,000 अभी आती है, इसलिए अब 31,000 की भर्ती के कूट के मुंह में जीरे के समान है। और पिछली सरकार ने भी बेरोजगारों की मांग पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में पदों में बढ़ोतरी की थी। रीट शिक्षक भर्ती 2021 रीट लेवल 2 का संशोधित परिणाम जारी। 1,25,000 परीक्षार्थियों को 1 अंक का लाभ, 30,000 से अधिक को नुकसान। राजस्थान पत्रिका न्यूज अजमेर। रीट शिक्षक भर्ती 2021 8 से 13 नवंबर तक परीक्षार्थियों से ऑनलाइन आपत्तियां मांगी गई थी। विषय विशेषज्ञों से ली राय, भाषा संबंधी आपत्तियों का भी निस्तारण। डॉक्टर जारोली ने बताया कि लेवल 2 में भाषा संबंधी आपत्तियों पर विचार करने के बाद 377 परीक्षार्थियों का परिणाम सकारात्मक रहा। लेवल 2 का संशोधित परिणाम घोषित, 30,395 परीक्षार्थियों को 1 अंक का नुकसान। रीट लेवल 1 का परिणाम यथावत रहेगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का बयान अजमेर भास्कर। रीट शिक्षक भर्ती 2021 रीट परीक्षा विवादित प्रश्न उत्तर के मामले में अगली सुनवाई 13 को। रीट लेवल 1 में 14 प्रश्न उत्तर विवादित, संशोधित रिजल्ट की मांग 13 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। जयपुर टाइम्स। रीट शिक्षक भर्ती 2021 150 में से 14 प्रश्न बताए विवादित। रीट लेवल 1 परीक्षा के 14 विवादित प्रश्न उत्तर के मामले में आज राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एडवोकेट को याचिकाओं की कॉपी देने के आदेश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 13 दिसंबर को तय की है। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर के जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की सिंगल बेंच में जितेंद्र कुमार मीणा और अन्य 5 कैंडिडेट्स की याचिका पर यह सुनवाई हुई। आदेश पर बोर्ड के एडवोकेट विज्ञान शाह को याचिका की कॉपी दी गई है। प्रथम लेवल के 5 कैंडिडेट्स जितेंद्र कुमार मीणा व अन्य ने याचिका लगाई है। RPSC 2022 वन टाइम वेरिफिकेशन को लेकर मुख्यमंत्री की बजट घोषणा पर अमल, कई विकल्प पर विचार, अगले साल लागू करने का प्रयास। राजस्थान पत्रिका न्यूज अजमेर। RPSC भर्ती परीक्षाओं काउंसलिंग में बार बार वेरिफिकेशन से मुक्ति, प्रेरित करने वाला प्रयास RPSC चेयरमैन का बयान। बैठक राजस्थान वरिष्ठ अध्यापक शिक्षक संघ रेस्टा का प्रथम वरिष्ठ अध्यापक
शैक्षिक अधिवेशन स्कूलों में अनिवार्य हिंदी अंग्रेजी के पद सर्जित करने की मांग। धौलपुर भास्कर सेकेंड ग्रेड एवं स्कूल व्याख्याता के पद सर्जित। बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर, इसी महीने 10,000 पदों के लिए जारी होगा नियुक्ति कैलेंडर। एलडीसी भर्ती मामला नवज्योति जयपुर। एलडीसी भर्ती 2013 की नियुक्ति प्रक्रिया इसी महीने से होगी शुरू। बांसवाड़ा भास्कर न्यूज। संगणक भर्ती परीक्षा के लिए रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा नवज्योति अजमेर। 3 वर्ष पहले दर्ज मामले में 2 युवक गिरफ्तार। कांस्टेबल बनने की चाहत में पहुंचे सलाखों के पीछे भर्ती प्रक्रिया में फर्जी ओबीसी प्रमाण पत्र लगाने का मामला। राजस्थान पत्रिका जयपुर। कांस्टेबल भर्ती 2018। यूजी फर्स्ट ईयर 350 कॉलेज। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों की 27,907 सीटें खाली, लेकिन लड़कों से 5,404 ज्यादा लड़कियों ने लिया एडमिशन। भास्कर युवा रोजगार अवसर। आरटीयू 2013-14 में लेटरल एंट्री के जरिए प्रवेश लेने वाले स्टूडेंट्स भी देंगे परीक्षा। मर्सी एग्जाम 2012 बैच के लिए यह अंतिम मौका। रेगुलर छात्रों के साथ देनी होगी परीक्षा। पड़ोसी राज्यों से स्थिति बेहतर। राज्य के 99.4% शिक्षकों को लग चुका है वैक्सीन। भास्कर नौकरी न्यूज। 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा कराने की तैयारी शुरू। NIOS ऑन डिमांड परीक्षा 4 जनवरी से। राजस्थान APRO परीक्षा के लिए सिलेबस व जारी। जयपुर भास्कर। स्कूल बंद करने का गृह विभाग का फर्जी आदेश वायरल। अशोकनगर थाने में केस दर्ज, कार्रवाई होगी। जयपुर भास्कर। भास्कर इंटरव्यू प्रदेश के मौजूदा मुद्दों पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी से सीधी बात। कोरोना के बाद शिक्षा का मौजूदा ढांचा, अप्रासंगिक कौशल विकास प्रशिक्षण में 10% नौकरी भी नहीं। बेरोजगारी को लेकर आंदोलन हो रहे हैं। कौशल विकास प्रशिक्षण के जरिए इसका समाधान नहीं हो सकता। CBSE एग्जाम आज से OMR सीट पर कैपिटल में लिखना होगा ABC या D। जोधपुर भास्कर न्यूज। पढ़ने से पहले करना पड़ता है पानी का जुगाड़। पेयजल सुविधा का अभाव। राजधानी के 145 स्कूलों में नीर नहीं। शिक्षा विभाग को अब जिला परिषद से बंधिए आस। राजस्थान पत्रिका न्यूज जयपुर। हमारा एक भी विश्वविद्यालय टॉप 10 में नहीं। राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालय ICRE रैंकिंग में पिछड़े। राजस्थान पत्रिका न्यूज नई दिल्ली। एडमिशन अलर्ट इग्नू। सेना भर्ती में रुकावट। उदयपुर अलवर और अजमेर में हुई थी रैली। हजारों युवाओं को बॉर्डर पर जाने का इंतजार। राजस्थान पत्रिका न्यूज जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट जिला जज संवर्ग में प्रतियोगी परीक्षा से सीधी भर्ती का मामला। न्यूनतम 35 साल उम्र के अभ्यर्थियों के ही योग्य होने को उचित ठहराया। राजस्थान पत्रिका न्यूज जोधपुर हाईकोर्ट। MDSU अब तैयार होगा शैक्षणिक कैलेंडर। अजमेर भास्कर। 30% टीचर्स की ट्रेनिंग पूरी नहीं, सर्टिफिकेट अटके। बीकानेर शिक्षा विभाग भास्कर न्यूज। 13 से 24 दिसंबर तक चलेगी परीक्षाएं। अर्धवार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल जारी। 2 पारियों में 2.5 घंटे के होंगे पेपर। एक्सपर्ट व्यू भूपेश शर्मा। श्रीगंगानगर विश्वविद्यालय में नया विवाद। MA की ई किताबों में बताया आदिवासियों में लिव इन मान्य। उदयपुर भास्कर। विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की बैठक। PhD की डिग्रियां देने व पदों पर भर्तियां करने का फैसला। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। सिविल सेवा मेंस परीक्षा 2021 ASZ तक सब कुछ। मुख्य परीक्षा 2021 का पैटर्न क्या होगा। कॉलेजों में स्नातकोत्तर पूर्वार्ध में प्रवेश के लिए कल से आवेदन। 18 दिसंबर अंतिम तिथि। 21 तक होगा ऑनलाइन सत्यापन।
दसवीं के माइनर विषयों की परीक्षा आज होगी संपन्न। सीबीएसई बोर्ड अजमेर। सीटेट के प्रवेश पत्र आज या कल जारी होंगे। द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा का परिणाम घोषित। भगवंत विश्वविद्यालय अजमेर। तो दोस्तों, इतिहास के राजस्थान के संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।